ग्वालियर में आज समाज सेवी रश्मि पवार एवं उनके साथ अन्य लोगों ने भारत और चाइना के विवाद के चलते चाइना के झंडे को फूलबाग चौराहे पर लगाई आग। भारत और चाइना का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस विवाद को लेकर भारत के सभी समाज सेवी अत्यंत कुरूद अवस्था में हैं। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में चाइना के झंडे जलाए जा रहे हैं तथा भारत के कईयों सैनिक LAC पर शहीद हो चुके हैं, जिससे कि संपूर्ण भारतीय जनमानस में भयंकर विद्रोह उत्पन्न हो रहा है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर के समाज सेवी रश्मि पवार के द्वारा चाइना के झंडे को आग लगाई गई और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करी गई कि वह जल्द से जल्द चाइना को उचित जवाब दें और भारत में हो रहे इस अत्याचार को फिर से रोकें। वहीं लोगों ने चाइना व चाइना सैनिक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फूलबाग पर चाइना के झंडे में आग लगाई और यह भी कहा कि सभी लोग चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। खैर, चाइना से चल रहे भारत के विवाद का अंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन चाइनीज वस्तुओं का विद्रोह पूरे देश में जोर मारता नजर आ रहा है। इस समय पूरे देश की निगाह सिर्फ गलवान की घाटी पर है। जैसा कि चाइना ने निहत्थे के हमारे सैनिकों को, जो कि वहां पर गश्त कर रहे थे, उनको मारा है। हम लोग यहां पर चाहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार हो, तभी वहां पर शहीद जो हमारे सैनिक हुए हैं उनकी शहादत को हमारा असली नमन होगा, असली पुष्पांजलि होगी। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द चीन की सेना को यहाँ से भगाए और हमारी घाटी को पुनः भारत में मिलाने की प्रयास करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।